तो चालू करते हैं आज का जो टॉपिक है हमारा, पीपीज अगेंस्ट हॉटवर्क में हम क्या क्या पीपीज ध्यान से देंगे, और एज अ सेफ्टी ऑफिसर जब भी आप साइट में जा रहे हो, जब भी आपका हॉटवर्क चल रहा है, चाहे वेल्डिंग हो गया, गैस कटिंग हो गया, ग्राइंडिंग हो गया, या चाहे कटिंग का काम हो, कोई भी काम हो गया, उसमें जो आप जो ये देख रहे हैं, ये कोई डमी पीस नहीं है, ये क्या है, इनका नाम मंजूर है। हाँ, ये डमी पीस नहीं है, मंजूर है, कोई पुतला नहीं है, मंजूर है। मैंने एक आदमी को पाना करके ऐसा रेडी किया हुआ है ताकि आपको जो है ना अच्छा सा देखने को मिले। आज हम चालू करेंगे कि हाँ तो भाई अभी ठीक है, अभी क्या है, अभी आज हम लोग प्रैक्टिकली रूप से देखेंगे कि जब भी हमें हॉटवर्क करना होता है, हॉटवर्क में हमें क्या क्या चीजों सेफ्टी का ध्यान देना होता है। तो आज बात करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे वेल्डिंग का। क्या बात करेंगे जी? वेल्डिंग में सर हमें सबसे पहला कुछ ध्यान देना होता है ना, तो वो होता है वेल्डिंग हेलमेट। वेल्डिंग हेलमेट में क्या है कि अगर हम चालू करते हैं तो इधर बोलिए, चालू करते हैं तो वेल्डिंग हेलमेट जब भी लेंगे हम विद सेफ्टी हेलमेट लेंगे। विद सेफ्टी हेलमेट क्यों सर? क्या होता है ना कि जब आप काम कर रहे हो ये वाला सेफ्टी हेलमेट हटा करके सिर्फ वेल्डिंग हेलमेट पहनते हो, यानी ऊपर वाला जो पोर्शन है इसको हम निकाल देते हैं, तो निकाल देने के बाद क्या होगा कि जब कोई मटेरियल ऊंचाई से गिरता है तो ये वाला पार्ट आपका ढका हुआ है, फेस वाला पार्ट ढका हुआ है, लेकिन जो है ना ये ऊपर वाला जो पार्ट है ना वो नहीं ढका हुआ है, लेकिन इसमें जब पड़ेगा ना वेट तो क्या हो जाएगा, इंजर्ड हो जाएगा, आदमी इंजर्ड हो जाएगा। तो इसके लिए जब भी हम वेल्डिंग हेलमेट सिलेक्ट करते हैं तो मेक श्योर करना है कि वेल्डिंग वाला हेलमेट जो होगा ना विद सेफ्टी हेलमेट होगा। अभी क्या है कि अब वेल्डिंग हेलमेट का सेफ्टी हेलमेट हो गया, अब बात करेंगे वेल्डिंग हेलमेट। तो वेल्डिंग हेलमेट जो भी रहेगा एज पर आईएसओ स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होना चाहिए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होना चाहिए। दूसरी बात की वेल्डिंग हेलमेट में ये जो लगा रहता है इसमें तीन को ग्लास लगा रहेगा, भले इसमें नहीं है लेकिन आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बताओ कि तीन ग्लास लगे रहते हैं। पहला यहाँ पे रहते हैं व्हाइट ग्लास, उसके बाद रहते हैं ब्लैक ग्लास, और ऊपर से रहते हैं व्हाइट ग्लास, यानी कि दो व्हाइट एक ब्लैक, दो व्हाइट एक ब्लैक। व्हाइट वाला होगा एकदम जो है ना नॉर्मल व्हाइट रहेगा, एकदम जो है ना उसमें कोई भी स्क्रेच वगैरह नहीं होना चाहिए। जो ब्लैक वाला होगा यहाँ पे, जो ब्लैक वाला होगा उसका शेड लेवल 11 से लेकर के 13 होगा। अभी शेड लेवल के बारे में हम लोग आगे की बात करते हैं कि ब्लैकनेस जो होता है ना, जो डार्कनेस होता है, जो कालापन होता है, उसको जो मेजरमेंट करते हैं, जो उसका एसआई यूनिट है वो है शेड, SHED शेड। अभी क्या है शेड में बोले तो इसमें तीन ग्लास होना चाहिए, दो को व्हाइट एक को ब्लैक। अभी हो गया वेल्डिंग हेलमेट। वेल्डिंग हेलमेट जब भी रहेगा वो किसी भी मेटल से नहीं होना चाहिए, उसका जो स्क्रू जो है उसी स्क्रू से जुड़ा हुआ होना चाहिए। वेल्डिंग हेलमेट बोले तो स्क्रू से जुड़ा होना चाहिए और एकदम कंफर्टेबली रूप से जो है ना हम उसको उठा सकते हैं, हम उसको डाउन कर सकते हैं। ऐसा होना चाहिए कि जब भी हमें वेल्डिंग की काम पड़े तो हम डाउन कर सके, और जब जरूरत पड़ जाए तो उसको हम उठा सकते हैं। अब क्या है मतलब क्या है सर कि वेल्डिंग अगर देखना होगा, वेल्डर को सिर्फ देखना होगा वेल्डिंग, तो क्या करेगा कि वेल्डिंग सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है यहां से उठा करके आराम से देख सकता है। पूरा उठाने की जरूरत नहीं है, यहां से उठाने की जरूरत नहीं, यहीं से उठा करके आराम से देख सकते हैं। अब बात आ गई हेड तक तो हो गया हमारा, अब बात करते हैं हेड से नीचे, यानी कि जो हम बॉडी की बात करते हैं, तो बॉडी की जो फर्स्ट वाला जिंदगी वाला पार्ट है इसको बोलते हैं एप्रोन। इसको बोलते क्या बोलते हैं जी? एप्रोन। एप्रोन का काम क्या होता है कि जब वेल्डिंग होता है, ग्राइंडिंग होता है, गैस कटिंग होता है, पार्टिकुलर हेलमेट चेंज होगा, एक्टिविटी चेंज होगा, तो हम बताएंगे कि ग्राइंडिंग के लिए क्या और गैस कटिंग के लिए क्या। तो जब वेल्डिंग हेलमेट वेल्डिंग के लिए यूज करते हैं तो बाकी अदर पीपीज, मतलब ये सर को छोड़कर के बाकी अदर पीपीज हर एक हॉट वर्क में अप्लीकेबल हो। अभी बात करेंगे अप्रोच की। अप्रोच क्या है कि जब हम वेल्डिंग करते हैं, गैस कटिंग करते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं, तो हमारे बॉडी के ऊपर जो है ना स्पार्क आता है, स्पार्क आता है, फ्लेम आएगा, जो है ना चिंगारी वगैरह हमारे बॉडी पे गिरेंगे, तो जब गिरेंगे ना तो जलने की संभावना होती है। इसके लिए हम अप्रोच देते हैं। अप्रोच देने के साथ साथ हम हैंड स्लिप देते हैं। कभी कभी क्या होता है ग्राइंडिंग करने के बाद, गैस कटिंग करने के बाद, वेल्डिंग करने के बाद जो स्पार्क वगैरह जो है ना वो वर्कर जो भी काम करते हैं उससे हैंड पे भी आता है। तो हैंड में इंजुरी ना हो, वर्ड ना हो, कट ना हो, इसके लिए जो है ना हम हैंड स्लिप दे देते हैं। फिर बात करते हैं हैंड ग्लव्स की। ये हैंड ग्लव्स से लेदर की जो भी चीजें रहेगा ये लेदर का रहेगा, ये लेदर हैंड ग्लव्स से। लेदर हैंड ग्लव्स क्यों देते हैं? क्योंकि सर क्या है कि जब हम वेल्डिंग करते हैं, जब ग्राइंडिंग करते हैं, जब गैस कटिंग करते हैं, तो हमारा हाथ वेल्डिंग की टॉर्च को करते हैं तो कभी कभी हीट भी होता है। जिस मेटल में हम वेल्डिंग कर रहे हैं, ग्राइंडिंग कर रहे हैं, गैस कटिंग कर रहे हैं, वो जो है ना वो क्या हो रहा है, हीट हो रहा है। तो हमारा बॉडी जो है ना, हमारा हाथ फिंगर है, अब उसमें टच होगा तो बर्न होगा, इसके लिए जो है ना हम इसको लेदर हैंड ग्लव देते हैं। लेकिन इसके अलावा और भी रीजन है, वेल्डिंग करते समय अगर हमारा इलेक्ट्रोड वाला जो होल्डर है या अर्थिंग वाला होल्डर है अगर वो भीगा हुआ है, वेट कंडीशन है, तो टच हो जाता है तो कुछ
परिस्थितियां में हमें इलेक्ट्रिकल शॉक लगते हैं बट कम लगते। अगर हम ग्राइंडिंग कर रहे हैं तो ग्राइंडिंग करते समय जो ग्राइंडिंग मशीन है वो क्या होता है, वाइब्रेट होता है, तो वाइब्रेशन से भी कुछ जो है ना ये रिलीफ देता है, कुछ जो है ना आपकी बचाव करता है, वाइब्रेशन से इफेक्ट से बचाता है। इसके अलावा हम बात करेंगे फिर जो है ना हम बात करेंगे लेग गार्ड की, ये वाला लेग गार्ड। सर लेग गार्ड क्या होगा, लेग गार्ड किसके लिए देते हैं, ताकि जब वेल्डिंग होता है ना, वेल्डिंग होने के बाद, ग्राइंडिंग होने के बाद, गैस कटिंग होने के बाद जो है ना क्या होता है कि ये पैर पे भी स्पार्क आते हैं, तो पैर पे स्पार्क ना है उसके लिए जो है ना अब लेग गार्ड देंगे। अब लेग गार्ड क्या है सर, कि लेग गार्ड जो है ना हमें बेसिकली जो है ना जब स्पार्क हमारे बॉडी पे गिरेंगे तो गिरने से जो है ना जरा सा फीलिंग होगा, अब फीलिंग होगा तो जो काम कर रहे हो आप सही से काम नहीं कर पाएंगे, इसके लिए जो है ना हम लेग गार्ड देते। अभी फाइनली बात करते हैं कि मान लीजिए कि हमें वेल्डिंग करना है तो वेल्डिंग करने के लिए तो वेल्डिंग हेलमेट देती है, लेकिन जब जो है ना हमें ग्राइंडिंग करना हो हमें जब ग्राइंडिंग करना है तो वेल्डिंग हेलमेट को निकाल करके हेलमेट तो सेम ही रहेगा, इसके ऊपर जो है ना ग्राइंडिंग वाला जो है ना फेस शील्ड जो है ना प्रोवाइड कर, फेस शील्ड की खासियत है, फेस शील्ड का एक स्पेसिफिकेशन है, फेस शील्ड का स्पेसिफिकेशन ये है कि फेस शील्ड पहला नंबर की तो 12 इंच का होना चाहिए, कितना इंच का होना चाहिए, 12 इंच का होना चाहिए। 12 इंच का मतलब क्या होता है कि जब भी जो फेस शील्ड जो लगाएगा वो चेस्ट तक आना चाहिए। चेस्ट तक क्यों आएगा, क्योंकि जब वेल्ड ग्राइंडर जब ग्राइंडिंग का काम करता है, ग्राइंडर सब क्या करता है सर, ग्राइंडिंग का काम करता है, वेल्डिंग हेलमेट निकाल दीजिए आप, वो वाला हेलमेट निकाल दीजिए, कोई नहीं 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 कोई एक हेलमेट ले लीजिए, हाँ ओके जल्दी। जब ग्राइंडर ग्राइंडिंग का काम करते हैं तो क्या होता है, ये जो फेस शील्ड है यहाँ पे लगे रहेंगे, ये कम से कम जो है ना चेस्ट तक आना चाहिए, चेस्ट तक अगर यहां तक रहेंगे तो इस बार की यहां तक आ जाएंगे, ठीक है, इस बार जो है ना आंख तक आएंगे, आंख के अंदर चले जाएंगे, चाहे ये जो है ना गर्दन वर्दन जलने की संभावना रहती है, इसके लिए जो भी फेस शील्ड रहेंगे सर, फेस शील्ड रहेंगे वो क्या रहेंगे सर, चेस्ट तक रहेंगे, ताकि जो है ना इस बार के अंदर से ना हो। जो ग्राइंडर ग्राइंडिंग कर रहा है दो चीजें और साथ में जुड़ती है, वो है सेफ्टी गॉगल्स, जो ग्राइंडर ग्राइंडिंग करेगा वो जो है ना सेफ्टी गॉगल्स पहन के रहेगा, साथ ही साथ में एयर प्लग पहन के रहेगा, ताकि जो है ना वो साउंड से भी बचे, अगर जो है ना फेस शील्ड के बाद भी स्पार्क अगर अंदर जा रहे हैं, फेस शील्ड के बाद भी स्पार्क अगर अंदर आ रहे हैं तो आंख में ना जाए, हमारे जो आईज में जो है ना स्पार्क ना जाए, इसके लिए जो है ना हम क्या करेंगे, जो ग्राइंडर ग्राइंडिंग करेगा तो फेस शील्ड पहनने होने के बावजूद भी गॉगल्स व्हाइट गॉगल्स हम पहनने के लिए बोलेंगे। अभी बात आती है कि सर हम तो देख लिए वेल्डिंग देख लिया, हमने ग्राइंडिंग देख ली, फिर अब हम बात करेंगे गैस कटिंग। गैस कटिंग में सिमिलर सब कुछ रहेगा, फेस शील्ड नहीं रहेगा, उसमें रहेगा गॉगल्स, गॉगल्स बोले तो शेड लेवल 5 का रहेगा, ब्लैक गॉगल्स रहेगा, शेड लेवल 5 मिनिमम कटिंग, गैस कटिंग करने लिए शेड लेवल 5 का ही हम जो है ना सेफ्टी ब्लैक गॉगल्स अलाउ करेंगे, ओके।